अगर आपका जियो सिनेमा का ऐप देखिए जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से अपडेट मांग रहा है और यहाँ से अपडेट होने की प्रोसेस नहीं हो रही है, अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, आपका जियो सिनेमा नहीं चल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए इस तरीके से आपको बैक हो जाना है, पूरा यहाँ से बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आपको जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में। इस तरीके से प्ले स्टोर अपने फ़ोन का आप ओपन करिएगा। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा, ऊपर यहाँ पे सर्च का सर्च ऐप एंड गेम करके दिख रहा है, यहाँ पे ये जो सर्च वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है जियो, इस तरीके से जियो सिनेमा, जियो सिनेमा आप टाइप करिएगा। आपके फ़ोन में जियो सिनेमा का जो ऐप है वो देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपडेट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आप अपडेट करिएगा। आपका जो जियो सिनेमा का ऐप है वो यहाँ से अपडेट होना देखिए कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं आपका जियो सिनेमा यहाँ से अपडेट हो जाएगा और अपडेट होने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए कि आपका जियो सिनेमा का ऐप यहाँ से अपडेट नहीं होता है, पेंडिंग वगैरह कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है या यहाँ पर घूम रहा है लेकिन अपडेट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको एक सेटिंग बता रहा हूँ। इस तरीके से प्ले स्टोर के मेन होम पेज पर आइएगा, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा। देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैनेज ऐप एंड डिवाइस पे क्लिक करिएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे तरफ देखिएगा सी डिटेल का ऑप्शन मिलेगा, सी डिटेल पे क्लिक करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ अपडेट की प्रोसेस लगी होगी, ऊपर कैंसिल ऑल लिखा हुआ आ रहा है अगर, तो आपको इसको कैंसिल ऑल पर इस तरीके से आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप कैंसिल ऑल पर क्लिक करिएगा तो यहाँ पे अपडेट ऑल लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपका पहले से अपडेट ऑल लिखा हुआ आ रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप बैक होके जाएंगे, फिर से आप यहाँ पे अपना ऐप सर्च करिएगा और उसको आप अपडेट करिएगा। अपडेट करने के बाद उसको आप ओपन करिएगा तो आपके फ़ोन में जो जियो सिनेमा का ऐप ओपन नहीं हो रहा था वो ऐप देखिए यहाँ से ओपन होने लगेगा।